91.2 NIVH हेलो दून सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रोमिला का नमस्कार। दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारी संस्कृति की सबसे खास बात है उसकी ग्राह्यता। कुछ भी नया हो, कुछ भी बदलाव हो, उसे अपनाकर आगे बढ़ना और हमेशा नियमानुसार जीवन सरिता को आगे बढ़ाना, यही है हमारी खासियत। इसी के संदर्भ में बात करते हुए आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की। दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाने में हमें सालों का समय लग गया, पर हमारे प्राचीन समय में वो अधिकार, वो कानून दिव्यांगजनों के लिए सख्ती से लागू किए गए थे। है ना आश्चर्य की बात कि जो संस्कृति धर्म से पोषित मानी जाती है, वो इस उपेक्षित वर्ग के प्रति इतनी संवेदनशील कैसे थी? यही जानेंगे हम इस एपिसोड में। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज हमारे पास तीन मुख्य अधिनियम हैं दिव्यांगजनों के लिए। RCI एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और RPWD एक्ट 2016। आज के ये कानून और प्राचीन समय में लागू दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए कानूनों के बीच जो सामंजस्य है, उसे समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है NIEPVD के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी को। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे हमारी भारतीय संस्कृति और उस समय व्याप्त कानून व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। अगर ऐसे देखें तो कानून या जिसे हम न्याय कहते हैं, मुख्यतः जो न्याय होता है, किसी जंगल से जब ग्राम बने, ग्राम से शहर बने, तो कानून की जरूरत पड़ी। नहीं तो बाहर तो जंगल का कानून होता है ना जी। इस जंगल के कानून को मत्स्य न्याय बोला जाता है। सृष्टि शुरू होने वाली थी और एक ऋषि थे मनु महाराज, जो कि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, पानी दे रहे थे यूं। और जब वो अर्घ दे रहे थे, वो देख रहे थे कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली के पीछे दौड़ रही थी, उसे खाएगी 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 कर रही थी। ये कानून जंगल का कानून है, मत्स्य न्याय है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पर ऋषि के मन में करुणा आई और उस छोटी सी मछली को वो अपने कमंडल में रख गए, कमंडल में रख गए और घर ले गए। मछली का पोषण किया, मछली बड़ी हुई तो उसे अपने घर के पीछे के एक छोटे जलाशय में डाल दिया। मछली और बड़ी हो गई तो उसे एक तालाब में डाला, और फिर मछली बड़ी हो गई तो उसे समुन्द्र में छोड़ दिया। युग खत्म हो रहा था, इसलिए प्रलय आया। प्रलय यानी कि जहां की सब कुछ डूब जाता पानी के नीचे, और यही वो मछली थी जो कि मनु महाराज के साथ बाकी के जो जरूरी चीजें, सप्तर्षि, वेद, हर प्रकार में से कुछ कुछ जीव जंतु, उनको उस नाव में रखकर, अपने एक सींग में, मछली अपने सींग में रखकर भवसागर पार किया था और बचाया था उसे। ये था मत्स्य अवतार, पहला अवतार विष्णु का। तो कहते हैं कि धर्मः रक्षति रक्षतः, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। तो यहां एक कमजोर मछली की रक्षा मनु ने किया था, जिसने कि वापस मनु महाराज की रक्षा की। तो मत्स्य न्याय से न्याय की तरफ, इसकी परिकल्पना तो सृष्टि के शुरू से ही रही है भारतीय संस्कृति में, जहां की किसी समृद्ध, किसी मजबूत का यह दायित्व तो होता है कि वो किसी कमजोर को की रक्षा करे। तो इस तरह कानून की बुनियाद पड़ी भारतवर्ष में, और
हमेशा राजा का ये दायित्व रहा है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। ये तो बिल्कुल लोक कथाओं में भी है। अगर आप विक्रम और वेताल की कहानियां सुने तो यहाँ सुना है ना आपने, तो वहां वेताल ऐसी ऐसी कहानियां सुना जाता और प्रश्न पूछता है विक्रम को, जिधर उसे अपनी न्याय करने की क्षमता का परिचय देना पड़ता है ना। ऐसे में एक सवाल पूछ गया था वेताल, कहानी तो ऐसे ही शुरू होती है कि विक्रम पहुंचते हैं वेताल को ले जाने के लिए, पेड़ से उतारते हैं वेताल को, कंधे में टांगते हैं, चलते हैं, वेताल हंसता है और बोलता है कि तू मानेगा नहीं विक्रम, पराक्रमी है, शूरवीर है, और मैं जानता हूं कि तू मुझे लिए बिना नहीं मानेगा, लेकिन रास्ता लंबा है, रात घनी है, समय काटने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ध्यान रखना, बोलना कुछ मत, क्योंकि अगर तू बोला तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि दिमाग में अगर कोई बात आ गई और तू चुप रहा तो भी तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कैसी शर्त है? कि दिमाग भी चुप रहे, यानी कि अपनी बुद्धि को भी, एक बुद्धि पे इतनी नियंत्रण होनी चाहिए कि अगर मुझे नहीं सोचना है तो मैं नहीं सोचूंगा, मैं सुनूंगा। जैसे कि मेरे हाथ पे मेरा नियंत्रण है अभी, कि अगर मैं इसे हिलाना ना चाहूं तो ना हिले, वैसे ही बुद्धि पे भी इतना नियंत्रण कि अगर मैं इस्तेमाल करना ना चाहूं निर्णय लेने के लिए तो ना लू। खैर, इन बातों में कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन कहानी एक सुनाता है। आप देखें कि किस तरह से समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की व्यवस्था रही। कहानी ये सुनाता है कि एक बार की बात है, एक पिता, उसके घर तीन बच्चे थे। एक बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाला, अति विशिष्ट, दूसरा बच्चा सामान्य बच्चा, और तीसरा दिव्यांग बच्चा, जिसमें किसी तरह की अंगों में कोई एक कमी थी। पिता जाता है, दिन भर की मेहनत करता है और एक रोटी ले आता है, रोटी कैसी होती, गोल होती है ना, एक रोटी ले आता है और घर पहुंचता है। अब उस रोटी को वो घर में बांटेगा कैसे? इतना कहता है वेताल और चुप हो जाता है, और विक्रम को इसका जवाब देना है। इस कहानी को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो जो एक रोटी है वो है हमारा धन या संपत्ति जो कि राज्य के पास होती है। वो पिता जो हो गया वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर या शासक या ऐसा एक व्यक्ति जो कि इस पूरे राज्य को धारण, राजा का जो स्टेटस होता है। ये तीन बच्चे जो हो गए, इसमें साधारण बच्चा एक हो गया जो कि आम साधारण लोग होते हैं, एक कुशाग्र बुद्धि वाला हो गया जो कि ऐसे कुछ व्यक्तियों को दर्शाता है या रिप्रेजेंटेटिव है जो कि विशिष्ट होते हैं, गाने में कोई विशिष्ट है, चित्रकारी में कोई विशिष्ट है, कोई क्रिकेट में विशिष्ट है, और इधर दिव्यांगता उस वर्ग को दर्शाता है जो कि किसी न किसी मामले में तथाकथित समाज से अलग है या जिसे हम कमजोरे बोलते हैं। तो बेल शेपर्ड कर्व जिसको हम बोलते हैं, एक पूरे समाज की परिकल्पना, बहुत कमजोर कुछ लोग, जैसे एक क्लास में होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं बड़े बुद्धिमान, कुछ बच्चे होते हैं कमजोर, और बीच के सामान्य होते हैं। तो यहां वेताल सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि उस रोटी को कितने टुकड़े करेंगे, आपके हिसाब से कितने टुकड़े करेंगे? दिमाग काम नहीं कर रहा है। तीन बच्चे, तीन टुकड़े होने चाहिए, लेकिन किस तरह से होंगे? अब सवाल है कि वो पिता क्या भूखा रहेगा? अब तो वही ये ध्रुव प्रश्न है जो कि इस पूरे संस्कृति को चलाए रखते हैं। तो चार टुकड़े होने चाहिए, लेकिन उन टुकड़ों का कितना प्रतिशत हम दिव्यांगों के लिए खर्चा करेंगे, हाँ। कितना प्रतिशत हम सामान्य के लिए खर्चा करेंगे, और कितना प्रतिशत हम असाधारण व्यक्तित्व वालों के लिए खर्चा करेंगे, और कितना प्रतिशत उस सिस्टम को बचाए रखने के लिए, एक राष्ट्रीय संस्थान चल रहा है, बिजली, पानी, सफाई, माली, ये तमाम खर्चे भी तो चल रहे हैं, तनख्वाह भी मिलती है लोगों को, तो इस पूरे
प्रक्रिया को, पूरे सिस्टम को अपनी जगह रखने के लिए भी तो कुछ खर्चा करना पड़ता, तो पिता का वो सूचक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछता है वेताल विक्रम को, ताकि वो उसकी बुद्धि को जांच सके, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रश्न बने कि अगर हमें सुविधाएं देनी है तो कमजोर वर्ग को कितना देना है, सामान्य को कितना देना है, और अति विशिष्ट को भी कितना देना है, और साथ ही साथ सिस्टम को चलाने के लिए जो कितना। तो न्याय की व्यवस्था तो इस तरह की रही हमारे यहाँ,